तो जब हमें एक्सेसरी चाहिए तो एक्सेसरी के अंदर क्या है, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इसको हम डबल क्लिक करेंगे इधर तो ये सामने एक लिस्ट आ जाएगी। अर्बन एंट्रेलिस के अंदर क्या है, ये जो गार्डन के एंट्रेंस पे मुख्तलिफ मॉडल के मुख्तलिफ शेप्स के डिज़ाइन होते हैं, ये उसमें आते हैं। फिर इसमें परगोला गजीबो ये भी आते हैं। अब नीचे इसको नीचे आए ना इधर से, या माउस के जो व्हील है इसको घुमाएं तो आप नीचे आएंगे। इधर देखें ये परगोला है, ये भी परगोले के मुख्तलिफ डिज़ाइन है। ट्रेली है, मतलब किसी जगह पे आप लोगों को घर के अंदर फ्लावर के लिए या वेजिटेबल के लिए कुछ ट्रेली चाहिए। ट्रेली का मतलब ये जो लकड़ी वाले या वायर वाले सपोर्ट होते हैं, जिसके ऊपर जो बेल होते हैं, जो प्लांट्स क्लाइंबर क्रीपर टाइप के होते हैं, जो जिसे हमें किस सपोर्ट की जरूरत होती है, तो उधर हम ये लगाते हैं, ट्रेली लगाते हैं, जैसे ये वाला है। अच्छा, तो अभी इनमें से कई सारे डिज़ाइन हैं, वैसे ये देखे ये देखे। तो अभी मसलन हम सिंपल से चीज़ें जो एंट्रेंस पे लगाते हैं, ये चीज़, ये अर्बर फोर, इसको डबल क्लिक करें तो इधर सपोज हमने ये इधर रख दिया। अच्छा, क्योंकि कल वाला डिज़ाइन तो मैंने ओपन नहीं किया, से मैं वैसे एक जगह इधर से इधर तक कोई 90 फीट इधर से ये स्ट्रेट करता हूँ, इधर 72 जगह में सेलेक्ट करता हूँ। अच्छा, और फिर इसमें एडिट पॉइंट क्लिक करके ये कॉर्नर सेलेक्ट करता हूँ। उसको क्लिक करने के बाद इसको इधर से फिर नीचे जगह ये सेलेक्ट करके सीधे करता हूँ। अच्छा, ये मैंने एक जगह बना ली जहाँ में मुझे लैंडस्केप करने का है, जहाँ मुझे ये आइटम इंसर्ट करने का है, डालने का है। तो उसमें से जो एक चीज़ शैली थी, आर्बर थी, जो गेट था एंट्रेंस के लिए, वो मैंने डाला है। तो देखते हैं एक पर्सपेक्टिव में वो नज़र आता है। अभी वो सामने में जो माउस का जो एरो है, ये जब उधर जाते हैं तो ये सामने इसको या क्लोज कर ये, अभी इसको मैं क्लिक करता हूँ। ये अभी तक क्यों क्लिक नहीं हो रहा, क्योंकि अभी तक मैंने एडिट का जो कमांड है ना, इससे मैंने क्लियर नहीं हुआ। अब राइट देखे ना, ये एडिट कमांड जो है ना, हाईलाइट, इसको मैं क्लिक करता हूँ दोबारा, ताकि इधर से इस कमांड से मैं निकल जाऊँ। तो अभी इधर से मैं निकला, मैं स्क्रीन पे लेफ्ट क्लिक करता हूँ, तो अभी मुझे जो दूसरा काम करने का है वो मैं अभी कर सकता हूँ। तो ये जो सामने मैंने जो अर्बर है ना, ये गेट सेट किया है, इसके ऊपर मैं जो कर्सर ले जाता हूँ, अभी वो देखो हाईलाइट होता है, पहले नहीं होता था। इसको जब मैं इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करता हूँ, तो अभी मुझे तो क्लोज चाहिए। तो इधर ये जो ये है ना, ये बटन है लेफ्ट साइड पे, इसमें जूम टू सिलेक्शन एंटर करें तो जो चीज़ आपने सेलेक्ट की है वो आपके सामने आ जाएगी, करीब हो जाएगी। वैसे आप माउस से भी आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये आइटम मैंने वैसे एक जगह पे लगा ली, तो ये हमें किसी एंट्रेंस पे लगाना है। तो इसके अलावा इसको मैं इधर क्लिक करता हूँ ताकि मैं इस कमर से निकल जाऊँ। अच्छा, अभी इसके अलावा मुझे ये लाइटिंग है मुख्तलिफ, इसके इसमें और भी चीज़ें हैं काफ़ी सारी, इसको क्लिक करें। देखिए इधर आते हैं ट्रेली में, और क्या है, स्टेपिंग स्टोन तो। अच्छा, बाकी चीज़ें तो इसमें फेंसिंग वगैरह भी नहीं है। अच्छा, बस इसी में अंदर यही चीज़ें हैं, ये लिस्ट में जो चीज़ें हैं, मसलन में मुझे ये परगोला ये वाला चाहिए, ये तो ये मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये परगोला इधर आ गया। अभी परगोला इधर आ गया, ये मैं माउस के लेफ्ट क्लिक करके होल्ड करके
इसको मतलब मुख्तलिफ एंगल से साइड पे देख सकता हूँ। अच्छा अभी मुझे चाहिए कि ये जो आइटम मैंने इंसर्ट किया परगोला, ये अभी वाइट कलर का है, इसके मटेरियल में इधर से चेंज कर सकता हूँ। ये जो परगोले के सामने ناراضي زوم ناراضي بس سكرين باني بس ناراضي جي اوس بوتيك شي خدا دار دي ماسك الكترونيت مثلا ايوه اوس بوتيك ها اوس راجي آه جي آواز راجي بس دا ماسك از نت نتس مثلا لا اچھا تو ابھی صحیح جب کہہ رہے ہم ہیں کلک کرتے ہیں مٹیریل پہ تو وہ جو وائٹ کلر کا تھا उसको उसमें आया मटेरियल नंबर वन पे और हमने क्लिक किया तो उसके अंदर ये ऑप्शन आ गए, मतलब ये कलर्स है मुख्तलिफ, आपको उसके कलर चेंज कर सकते हैं लकड़ी का। तो लकड़ी के मुख्तलिफ कलर है, मसलन मैं ये कलर या ये वाला क्लिक करता करना चाहता हूँ, इसको डबल क्लिक करें। सर, वो वीडियो नहीं आ रही वीडियो सर नारा जी जी जी, सर स्क्रीन शेयर कर दे सर, स्क्रीन नहीं आ रही सर, स्क्रीन हमें नजर स्क्रीन नहीं आ रही सर, आपकी आवाज आ रही है। योर स्क्रीन शेयर लोडिंग। अच्छा अभी लोड हो रहा है, स्क्रीन तो शेयर मैंने किया है लेकिन नेट शायद स्लो है, तो अभी लोडिंग हो रहा है, हो जाएगा अभी थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर हो जाएगा, मैंने ऑलरेडी कर दिया है। तो हम बात कर रहे ठीक थे है जो सर, मटेरियल चेंज करने का, तो जो राइट साइड में जो मुख्तलिफ ऑप्शंस है हमारे साथ हर मटेरियल के लिए, जो मटेरियल हम जिसके ऊपर हम क्लिक करते हैं लेफ्ट क्लिक और वो सेलेक्ट हो जाता है, तो फिर वही वही मटेरियल के उसकी राइट साइड में जो कॉलम है उसमें मुख्तलिफ ऑप्शन है उसके मटेरियल चेंज करने का, मटेरियल का साइज चेंज करने का, काफ़ी सारे ऑप्शन हो उसके ऊपर नीचे करके इसको बड़ा छोटा करने का, ये सारे ऑप्शन इधर मौजूद हैं। लेकिन जब हम मटेरियल क्लिक करते हैं तब वो ऑप्शन आते हैं, जब मटेरियल क्लिक नहीं करते हैं वो ऑप्शन नहीं आएगा। अच्छा स्क्रीन अभी शेयर हुई या नहीं हुआ? अच्छा अभी स्क्रीन नजर आता है या नहीं आता? हेलो सर स्क्रीन नहीं आ रही सर, स्क्रीन स्क्रीन, नजर नहीं अच्छा आ रही सर, सर स्क्रीन जो है ना स्क्रीन लोडिंग, नहीं आ रही। हाँ वो ये ना लोडिंग कर रही है, ट्राई करके इसको फिर स्टॉप करके दोबारा शेयर करता हूँ। अच्छा आवाज तो आ रही है ना, स्क्रीन से नजर नहीं आता। आवाज भी सर रुक रुक कर आ रही है सर। आवाज भी ब्रेक होके आ रही है। ठीक है, मतलब नेट का प्रॉब्लम है। अच्छा मैं एक अब 3-4 मिनट रुके, मैं ये वाईफाई को रीस्टार्ट करता हूँ, कभी कभार जो है ना अचानक हमें अभी स्क्रीन शेयर हो गया।
अभी अब देख सकते हैं। जी सर, अभी स्क्रीन आ रही है सर। ठीक, चलो अभी जो ये परगोला है ना लकड़ी वाला, ये हमने सेट किया या हमने इधर रखा, इसके मटेरियल हम चेंज करना चाहते हैं, इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, तो इसमें जो सामने मॉडल के सामने जो ये ऑप्शन है इसको क्लिक करें, एडिट मटेरियल, उसमें मटेरियल नंबर 1 के राइट में जो जो कलर है ये इसको डबल क्लिक करें तो काफ़ी सारे ऑप्शन हमारे सामने आ जाते हैं। तो इनमें से ये ऑप्शन है लकड़ी के, तो सपोज मैं ये लकड़ी वाला ये कलर है ये सिलेक्ट करना चाहता हूँ, इसको वुड 47 को डबल क्लिक करता हूँ तो ये वुड वाला कलर आ सकता है सामने, और इसको मैं ओके करूँ तो ये इसका कलर जो है ना लकड़ी वाला कलर हो गया पूरे परगोले का। अच्छा अभी फिर ये जो परगोला है इसको मैं इधर से भी जब ये अभी हाईलाइटेड है ना जो सामने इसका ये जो नजर आता है ये हाईलाइटेड है तो मतलब सेलेक्ट हुआ है, तो इसको हम इधर से माउस से के लेफ्ट से इसको पकड़ के और माउस को घुमाए आगे पीछे करें तो ये छोटा बड़ा हो सकता है, माउस से भी हो सकता है। और इसके अलावा इधर जो ये ऑप्शन है वेट, ये हम चेंज करें इधर से तो ये छोटा बड़ा इधर से हो सकता है। अच्छा इसकी डेप्थ ये हम ऊपर नीचे कर सकते हैं इधर से, डेप्थ मतलब जमीन के अंदर चला गया अभी ग्राउंड में और ऊपर, तो ये भी हम कर सकते हैं। फिर इसकी हाइट हम इधर से चेंज कर सकते हैं। अच्छा तो इसको मतलब हम मतलब ऑप्शन हमारा है साथ है, जब हम किस जगह में लगाते हैं तो उसी जगह के हिसाब से हम ये एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हुआ एक्सेसरी में, ये जो लैंडस्केपिंग वाले एक्सेसरी है। इसमें दूसरी बात ये है कि एक क्लास में इस पे लूंगा कि जो हमारे साथ जो अवेलेबल लैंडस्केपिंग का आइटम है वो हम इससे सीख जाएंगे, उसको हम इंसर्ट कर सकेंगे इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन कुछ चीज़ ऐसे हैं जो इसमें नहीं है। अभी मसलन एक एक मॉडल है जो बहुत खूबसूरत है मुझे पसंद है वो इधर नहीं है, तो उसके लिए एक दूसरे लाइब्रेरी है वेयर हाउस है उधर से सर आपकी नेट से, आवाज आवाज़ ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है। अच्छा तो हमें वो मटेरियल जो है अच्छा नेट का इशू है, अगर अब भी प्रॉब्लम है मैं अभी ट्राई करता हूँ कि ये जो वाईफाई ये दोबारा रिस्टार्ट करता हूँ, 3-4 मिनट लगेंगे, आप थोड़ा सा वेट करें प्लीज़।
अभी स्क्रीन शेयर हो गया। नेट का इशू है, लेकिन जहाँ तक जितना भी हो सके क्लास कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, तो हम इधर से इसके मुख्तलिफ ऑप्शंस मटेरियल के हम चेंज कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा ऑप्शन लैंडस्केपिंग में लाइटिंग का है, तो ये लैंडस्केप लाइट को हम क्लिक करेंगे माउस के लेफ्ट से, तो इधर ऑप्शंस आ जाएंगे, मॉडल इसके आ जाएंगे। तो इसको अगर क्लिक करेंगे हम, तो इसके अंदर फिर और भी ऑप्शन आ जाते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये माउस के बटन से ऊपर नीचे जाएं तो ये ऑप्शन आपको नज़र आएंगे। मसलन आप बड़ा लाइट पोल सेलेक्ट कर, अच्छा तो अभी वाईफाई दोबारा रिस्टार्ट हो गया, इंशाल्लाह अभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम इस लाइट पोल की बात कर रहे थे कि जो लाइट के मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, इसमें हम अगर बड़ा लाइट सेलेक्ट करना चाहते हैं लाइट पोल जो इस तो इसको क्लिक करेंगे। अगर हम कुछ छोटे लाइट जो बुलेट्स जिसे हम बोलते हैं, ये वाले, ये मुख्तलिफ किस्म के मॉडल हैं, ये हम क्लिक करते हैं, तो इधर तो प्लान पे, तो ये ग्रीन एरिया है, इसमें हमें लैंडस्केप करने का है। तो इधर में ये लैंडस्केप लाइट जो है ना, ये बुलेट इधर में क्लिक करता हूँ। इधर से लैंडस्केप लाइट, इधर से मुख्तलिफ मॉडल्स, मसलन ये वाला मैं क्लिक करता हूँ, इसको लाता हूँ स्क्रीन पे, सामने नजर आता है इधर रखता हूँ। तब ये तो प्लान है, ये प्लान में तो बस एक पॉइंट नजर आएगा। अभी इसका पर्सपेक्टिव में देखेंगे नीचे, तो पर्सपेक्टिव ये किधर है, ये ऑलरेडी सेलेक्ट है। तो अगर हम इधर जूम पर सेलेक्ट करें तो हम उसी जगह पे जाएंगे जो आइटम सेलेक्ट है। अच्छा, अभी ये लाइट है, ये हमने इंस्टॉल किया किसी जगह पे, इसके लाइटिंग का इफेक्ट है इसी तरह है। अभी ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है, इसके मुख्तलिफ फीचर हम इधर से चेंज कर सकते हैं। इसके एलिवेशन, ये कितना ऊपर होगा ग्राउंड से, ये हम चेक कर सकते हैं। इसकी लाइट की रेंज कितनी है, कितनी होना चाहिए, तेज और कम हो सकता है, बीम एंगल, दूर करीब, ये हम इधर से चेंज कर सकते हैं। इसके लाइट कलर है वो हम चेंज कर सकते हैं, जो कलर हमें पसंद हो, ग्रीन हो, रेड हो, जो भी लाइट हो वो हम इधर से चेंज कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसकी इसकी वेट और डिप्थी तो नॉर्मल चीज़ें हैं, और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे लाइट हैं जो हम लैंडस्केपिंग में इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये वाले हैं जो स्पॉट लाइट्स हैं, इसमें काफ़ी सारे लाइटिंग है, तो ये ऑप्शन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लैंटर्न है, ये जो दरख्तों के करीब लगाते हैं, स्पॉट लाइट्स जैसे बोलते हैं, ये मुख्तलिफ ऑप्शन हम इस्तेमाल कर सकते हैं लैंडस्केपिंग में। तो मसलन हमने ये वाला ले लिया, तो ये अभी ये एक साइड पे है, और ये हम किधर रखेंगे, जहाँ हम दरख्त लगाते हैं, मसलन हमने इधर एक दरख्त लगाया, ट्री लगाया, ये एक दरख्त है,
और ये मैं इसके सामने लगाया तो ये इसके ऊपर पैड फेंकता है। अभी इसको हम इधर से इसके फीचर्स इधर से हम चेंज कर सकते हैं लाइटिंग के। अच्छा अभी आते हैं, जो सामने हुआ लाइट ठीक है साथ जो लगा है इस तरह नजर आता है। इसको हम घुमा भी सकते हैं किसी एंगल पे, इधर से भी चेंज कर सकते हैं इसके एंगल और इसके इसको रोटेट भी कर सकते हैं। इसको रोटेट अबाउट एक्स वाई, रोटेट अबाउट एक्स, इसको इस तरह घुमा सकते हैं ऊपर नीचे, और वाई से हम इस तरह घुमा सकते हैं। अच्छा तो ये हुआ लैंडस्केपिंग में लाइटिंग का। लाइटिंग के बाद हमारा दूसरा ऑप्शन है ये रॉक, ये तो मैंने कल किया था। अच्छा ये दूसरा ऑप्शन है ये पिक्चर वाला, या हम अपने लैंडस्केपिंग में कोई पिक्चर लाना चाहते हैं जैसा ये अभी डॉग का है, तो इसको मैं क्लिक करता हूँ। इसके अंदर और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, और इसमें अगर कोई चीज़ नहीं है तो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं उसके लिए अलग एक क्लास में हम किससे हम बाहर से कोई आइटम पिक्चर इंपोर्ट करते हैं, तो वो इसके अंदर हम डालते रहेंगे जमा करते रहेंगे, और फिर हम किस टाइम भी वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्लिक करता हूँ इधर ये ब्लॉग में रखते हैं। अच्छा ये तो लैंडस्केपिंग के ज़रूरी चीज़ें नहीं है, लेकिन बहरहाल जो भी एक्सेसरी है जो हेल्पिंग है वो हम इसी से ले सकते हैं।